एक सेकंड, मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है, जब विपक्ष नेता बोल रहे हो बीच में कोई नहीं बोले, जब सदन के नेता बोल रहे हो तो इधर से भी कोई न बोले। इस तरह आप सबसे निवेदन है माननीय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज प्रदेश का आत्मा विहीन बजट पारण की अंतिम अवस्था में पहुंच गया और इस पूरे चर्चा के दौरान हमने, हमारे पूरे सदस्यों ने, आपके भी काफी सदस्यों ने काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिए, लेकिन किसी भी सुझाव को न शामिल करते हुए, क्योंकि आप लोग इन सब चीजों को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, इन सभी सुझावों को इग्नोर करते हुए आज यहां तक आ गए हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं भारतीय ओलंपिक में जो हमारे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मनु भाकर ने कल जो कांस्य पदक जीतकर हमारे देश का गौरव बढ़ाया, उसके लिए बधाई दें। पहली महिला बनी है देश की, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। मैं, क्योंकि पिछला जो पखवाड़ा गया है राजस्थान की धरती के कई वीर इस मातृभूमि की रक्षा करते हुए बॉर्डर पे शहीद हुए, उनको भी मैं मेरी ओर से, इस सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिन वीरों ने इस देश का गौरव बढ़ाया, हमारी रक्षा की, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए मुख्यमंत्री जी आपके पास 2 मिनट का भी समय नहीं था, इस चीज का मुझे जरूर दुख रहेगा। ये बात मैं कहना चाहूंगा, मैं तो मुख्यमंत्री कह रहा हूं भाई, मंत्री जी थोड़ी कही है। दूसरी बात, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का जुमला जो चल रहा है यहां पे, वो मैं कहना चाहूंगा कि जो डबल इंजन की सरकार है, इसके एक इंजन के ड्राइवर प्रधानमंत्री जी हैं, दूसरे इंजन के ड्राइवर हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और प्रदेश की जनता की खून पसीने की जो कमाई है वो एक इंजन तो विदेशों में चल रहा है और दूसरा जो हमारा इंजन है, जो उम्मीद थी शहीदों के घर जाएगा बैठने सांत्वना देने, वो लगातार दिल्ली के ही चक्कर लगा रहा है। मुख्यमंत्री जी बीच में 2-3 बार कई लोगों से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री जी सक्षम है वो जवाब दे। जो लोग आपसे मिलने गए थे, मिलने गए गेट पे पूछा, पता चला मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, फिर वो 2 दिन बाद फिर वापस गए, फिर पूछा मुख्यमंत्री जी है क्या, फिर पता चला मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं। और पिछले काफी समय से, क्योंकि दिल्ली के अंदर सरकार बनी थी, उम्मीद थी कि बजट में कुछ लेके आएंगे, बड़ी बड़ी बातें की गई और यहीं पे मुख्यमंत्री जी, यहीं पे इसी सदन में आपने कहा कि मैं राजस्थान का भागीरथ बनके
13 जिलों की आरसीपी और शेखावाटी के अंदर यमुना का जल लेके आऊंगा। आप अपने आप को भागीरथ बनाना चाह रहे हैं। भागीरथ तब बने थे जब गंगा आ गई थी। एक बूंद पानी किसी भी जिले के अंदर आ गया होता आप बता दीजिए। 7 महीने हो गए, एमओयू आ गया हो तो बता दीजिए, डीपीआर आपकी बन गई हो तो बता दीजिए, फिर काय का डबल इंजन है। और बजट के अंदर ईआरसीपी का, इस बजट का नाम आ गया हो राजस्थान का तो बता दीजिए। मैंने तो चश्मा लगा के खूब देखा। अरे बैठिए, आवाज नहीं कि कहीं तो बजट के अंदर राजस्थान का नाम आ जाए। अरे ये काम मेरा, सवेरे भी आपको टोका था। लेकिन ये मेरा काम है, लेकिन राजस्थान का नाम आने के बजाय जिन लोगों को कहते थे पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं, पलटू चाचा हैं, उनको पूरे देश का जो पैसा है वो देश का बजट नहीं होके सरकार बचाने वाला बजट आप लोगों ने कर दिया। जहां बिहार में 12 सांसद हैं जेडीयू के, उनसे तो ज्यादा ही राजस्थान की जनता ने आपको दिए हैं, वो लेके गए हैं 58,900 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश में हमसे 2 ही सांसद ज्यादा हैं, 16 हैं वहां, वो लेके गए हैं 50,475 करोड़ रुपए। अब मुख्यमंत्री जी आप बता दीजिए कि अब ये इंजन किधर चल रहा है, ये आप बता दीजिए। ये जो आप रोकते हो ना मुझे बार बार, इसी पे 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर हरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलते देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। आप बात कर रहे हो राहुल गांधी जी की, आप क्या बराबरी करेंगे राहुल गांधी की। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।